अस्सलाम वालेकुम, शहनाज की दुनिया में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आपके सामने एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ, वो है भजिया कढ़ी। तो वो भजिया कढ़ी कैसे बनती है और उसके लिए क्या क्या सामान लगता है तो देखिए। वो तो ये 150 ग्राम तक दही है, क्योंकि ज़्यादा खट्टी नहीं पसंद करते हम लोग। आधा प्याज, कड़ी पत्ता, हरा धनिया और एक कटोरी बेसन, तो ये सब अभी, और अदरक लहसुन, हरी मिर्ची, ये सब लगेगी उसमें डालने के लिए। तो अभी मैं एक टोप ले लूँगी, उसमें ये बेसन डाल दूँगी। बेसन डाल करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके उसको मिक्स करूँगी, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा पानी ना डालें। थोड़ा पानी डाल के मिक्स करने से उसमें गाँठें नहीं रहती है। अगर हम एकदम से पूरा पानी डाल देंगे तो फिर वो उसकी जो गाँठें है वो घुलती नहीं है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके पहले बेसन मिक्स कर ले अच्छे से। देखिए मैं और पानी डालूँगी, इस तरीके से मिक्स करें। अब ये मिक्स हो चुका है, अब इसमें मैं दही मिलाऊंगी। हाँ ये देखिए, ये दही मैंने पैकेट में ही रखी, क्योंकि बाज़ार से लाके मैंने ऐसे ही रख दी थी, कटोरी में नहीं निकाली। 150 ग्राम इतना दही है, बहुत हो जाता है इतना, क्योंकि ज़्यादा 1/2 किलो दही लेंगे ना तो कढ़ी बहुत खट्टी हो जाती है। अभी ठंडी, अभी सर्दी के दिन है तो ज़्यादा खट्टा खाने से गले में प्रॉब्लम होती है, इस वजह से मैंने दही कम ही डाली उसमें। देखिए पूरे तरीके से मिला लीजिए इसको अच्छे तरीके से। मिलाने के बाद में अब इसमें मैं कड़ी पत्ता डालूँगी। ये कड़ी पत्ता हमको ऐसा कच्चा भी डालना है और बघारने के बाद भी तेल में भून कर डालना है। अब मैं मिर्ची काट लूँगी, थोड़ी छोटी छोटी, 3 मिर्चियाँ हैं हरी मिर्च, ये 3 हरी मिर्च मैं काट के डाल दूँगी उसके अंदर। अच्छे बारीक बारीक काट लो। अब मैं हरा धनिया काट के डालूंगी, ये काफी, प्याज डाल दूंगी। बारीक बारीक काट लो। ये प्याज और हरी मिर्च काट कर डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें एक स्वाद आता है। जब जैसे जैसे कढ़ी पकती है तो कांदे का स्वाद उसमें बैठता है। और हरा धनिया भी काट के भी डाल दूंगी उसके अंदर। ये देखिए हरा धनिया मैंने काट दी हूँ। और अब मैं अदरक लहसुन डालूंगी। अदरक लहसुन भी थोड़ा ही डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, 1 चम्मच जितना। और थोड़ी सी हरी मिर्च डालूंगी, 1 चम्मच जितना। और अभी लाल मिर्च डालूंगी 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच और लाल मिर्च 1 चम्मच। ये देखिए अब ये इन सबको मैं पानी डाल के मिक्स कर लूँगी अच्छे से, पूरा मिला लूँगी अच्छे से। अच्छे से मिला देना चाहिए। मिलाने के बाद मैं इसमें पानी डालूँगी, पूरा पानी में डाल दूँगी, क्योंकि कढ़ी को पकाने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो उसके अंदर पानी ज़्यादा लगता है। तो पानी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तभी कढ़ी पकेगी, और अगर कम पानी डालेंगे तो वो कढ़ी वैसे ही अवटती है पक पक के, तो वो कम हो जाएगी। तो पानी जितना हमको कढ़ी चाहिए उससे पानी एक्स्ट्रा डलेगा। अब इसमें और पानी डालूंगी मैं थोड़ा सा, और अब ये इसको मैं ज़रा फेंट लूँगी इस तरीके से, ताकि इसमें गाँठें ना रहे। इसमें मैंने और पानी डाली थी, ये इसमें आया नहीं रिकॉर्डिंग में, मैंने और पानी डाली थी इसके अंदर। तो देखिए अब ये मेरा मिश्रण बन के तैयार हो गया है, अच्छे तरीके से पूरा मिक्स हो गया है। हाँ देखिए ये और पानी डालिए, तो अब ये बन गया। अब मैं इसको गैस पे रख दूंगी, थोड़ा नमक भी डालूंगी। ये गैस चालू कर दी हूँ मैंने, और अब इसको गैस पे रख दूंगी। ये देखिए गैस पे रख दी हूँ मैंने इसको, अब ये पकता रहेगा। इसको कम से कम मुझे 1-1.5 घंटा पकाना है, जब तक के बेसन पक ना जाए, क्योंकि बेसन की कच्ची बास आती है तो कढ़ी खाने में मज़ा नहीं आता। ये देखिए इसका रंग अभी पक रही है कढ़ी, उसका रंग देखो कितना निखर गया है, कैसे पीला पीला कलर आ गया है। अभी ये पकती रहेगी। और तो चलिए अभी हम भजिया बनाने की तैयारी करेंगे, तो इसमें भजिया भी डालना है। तो भजिए के लिए भी क्या क्या करना है वो मैं बताती हूँ। तो 1 कटोरी बेसन ले लेना चाहिए, 1 बड़ा सा प्याज, 2 से 3 हरी मिर्च, हरा धनिया, बेकिंग सोडा खाने का सोडा, हल्दी,
चलिए अभी भजिए का मिश्रण बनाती हूँ मैं। हमारे घर में भजिया ज़्यादा नहीं खाते, इस वजह से मैं भजिए थोड़े ही बना रही हूँ। ये देखिए अब मैं बारीक बारीक कांदा काट लूँगी। कांदा काट कर बारीक बारीक कांदा काट लीजिए। मुझे ऐसे ही हाथ से ही काटने की आदत है। हरी मिर्ची भी मैं काट लूँगी। दो से तीन हरी मिर्ची डालना है बस, ज़्यादा नहीं डालना तो तीखा हो जाएगा, क्योंकि जब भजिया उसमें पकेगा तो उसकी पूरी तेज़ाई कढ़ी में आ जाएगी, इसलिए ज़्यादा मिर्च ना डालें, हिसाब से डालें। हरा धनिया काट के डाल दी हूँ, थोड़ी सी हल्दी डालूँगी, और थोड़ा नमक, और थोड़ा सा खाने का सोडा। और अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। देखिए अभी मेरा बैटर मिक्स हो गया है अच्छे तरीके से। अब मैं इसको रख दूँगी, क्योंकि मैंने इसका जो मिश्रण है बहुत कड़क ही मिक्स किया है, क्योंकि अभी कड़ी पकने तक का ये ऐसे ही रखा रहेगा। अगर मैं पतला मिक्स करूँगी तो इसका प्याज का उसमें पानी छोड़ देगा, तो उस वक्त आपको भजिया आप तल नहीं पाओगे, पकौड़े आप तल नहीं पाओगे, तो इसलिए उसको सूखा ही करें। तो देखिए अभी मेरी कड़ी कितनी गाढ़ी हो रही है, कड़ी मेरी पकती जा रही है एकदम गाढ़ी, उसका रंग देखो कितना निखर गया है। तब मेरी कड़ी जो पक चुकी है, अब मैं भजिया तलने की तैयारी करूँगी। देखिए एकदम गाढ़ी हो गई है, कम से कम 1-1.5 घंटा मैंने कड़ी को पकाया है, तब जाके कड़ी इस तरीके की हुई है। तो आप भी उसी तरीके से कीजिए। अब मैं भजिया तलूँगी। तेल मैंने पहले से गर्म करने को रख दिया था। देखिए अब मैं भजिया डालूँगी, ये इस तरीके से भजिया तलना है छोटे छोटे से, ज़्यादा बड़े बड़े भजिए ना बनाए, क्योंकि जब वो कड़ी में हम डालते हैं भजियों को तो वो बहुत फूल जाते हैं, तो बड़े भजिए और बड़े लगने लगते हैं। तो भजिए छोटे बनाएं ताकि जब कड़ी में डालें तो वो उस मीडियम साइज़ की हो। ये देखिए भजिए तल, कितने खूबसूरत लग रहे हैं भजिए। अब ये भजिए इसमें मैं डालूँगी, थोड़ा ठंडा कर लूँगी प्लेट में रख कर के, डायरेक्ट नहीं डालूँगी, पहले मैं प्लेट में निकाल लूँगी भजियों को। ये देखिए अब मैं भजिए निकाल के थोड़ा सा इसको ठंडा कर लूँगी, फिर मैं कड़ी में डाल दूँगी। ये देखिए कितने अच्छे हो गए भजिए। अब मैं भजिए डाल रही हूँ और मैं इसका बघार करूँगी। बघार करने के बाद में देखिए कितना खूबसूरत बघार आया होएगा। बघार करने के लिए मुझे कड़ी पत्ता, कांदा, लाल मिर्च, जीरा, राई ये सब लगता है। अब मैंने प्याज डाल दी हूँ, प्याज डाल कर लूँगी कच्चा पक्का थोड़ा, फिर उसके बाद में मैं सारा डाल दूँगी सब कुछ, जो लाल मिर्च है, कड़ी पत्ता है, ज़ीरा है, राई है। मैं लहसुन नहीं डालूँगी, क्योंकि मैंने पहले से अदरक लहसुन डाल के रखा है, इसलिए लहसुन नहीं डालती हूँ मैं। ये देखिए ये सब डाल दूँगी अभी मैं, अब मैं राई ज़ीरा भी डाल दूँगी। अब हमारी कड़ी तैयार हो चुकी है पूरे तरीके से, बस ये लास्ट चीज़ है जो इसको बघार करना है, बस बघार करना बहुत ज़रूरी। ये बघार चुकी हूँ, ये हो गया है, अब ये इसमें मैं डाल देती हूँ। ये देखिए ये हो गया, देखिए कितना खूबसूरत हो रहा है। ये अब हमारी कड़ी बन के तैयार हो गई है, पूरी फाइनल हो चुकी है। तो देखिए इस तरीके से पकौड़ा कड़ी बनती है। पकौड़ा कड़ी बनाने का तरीका ये है, तो इस तरीके से आप लोग बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, और रोटी और चावल से खाइए, ज़्यादातर तो चावल से ही खाई जाती है, चावल से खाइए और सबको खिलाइए, और अपने खैरियत और अपना ख्याल रखिए। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। वैसे तो बहुत लोग ने इस रेसिपी को बनाए होंगे, लेकिन मेरे तरीके से एक बार बना के देखिए कि ये रेसिपी कैसे लगती है। तो चलिए अब मैं अपना वीडियो बंद करती हूँ, आप अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।